ग्राम पंचायत झागर के उचित मूल्य की दुकान पर गरीबों को बटने आने वाले अनाज की जमकर कालाबाजारी की जा रही है। आलम यह है कि इस पीडीएस दुकान का अनाज गरीबों और जरूरतमंदों के घर जाने की जगह जिले के व्यापारियों और धन्ना सेठों के घरों में पहुंच रहा है। फिर भी हैरानी भरी बात यह है कि खाद्य विभाग के नुमाइंदे कंट्रोल संचालक पर कार्रवाई करने की जगह खुली आंखों से कालाबाजारी का तमाशा देख रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पीडीएस की दुकान से गेहूं के कट्टों की कालाबाजारी की जा रही है। ऐसा नहीं कि इस दुकान पर यह पहली बार हो रहा हो। हर महीने कंट्रोल संचालक उपभोक्ताओं की आंखों में धूल झोंक कर उनके हिस्से के गेहूं की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। फिर भी खाद्य विभाग के अधिकारियों ने सेल्समैन को अवैधान देकर उसे कालाबाजारी करने की खुली छूट दे रखी है। वीडियो फोटोज में आप साफ देख सकते हैं कि गेहूं किसी गल्ला व्यापारी का नहीं बल्कि शासन के समर्थन मूल्य केंद्रों पर खरीदा गया गेहूं है। इसके प्रमाण गेहूं की बोरी पर लगी हुई सरकारी सील खुद ही दे रही है। इतना ही नहीं, किसी भी कंट्रोल पर उपभोक्ताओं को राशन कंट्रोल की बोरी में नहीं दिया जाता। राशन लेने इसका इंतजाम उपभोक्ताओं को खुद करना पड़ता है। यह स्थिति जागर तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे ब्लॉक की राशन दुकानों में इसी तरह से गरीबों के अनाज की बंदरबांट की जा रही है। जागर से ग्राउंड रिपोर्ट और जालम किरार की रिपोर्ट।